हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है माउथ, उसके बाद ऑसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ से हमारा जो होता है वो न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट हमारा माउथ होता है। कुछ ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई होती है इसमें, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर्स एंड पैंक्रियास। सेलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है? जो सलाइवा रिलीज करती है हमारे माउथ में। माउथ टू एंड्यूस, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितनी लंबी हो सकती, कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, माउथ से लेके एंड्यूस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि 9 मीटर लॉन्ग होती है।